दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके हेल्थ से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी देंगे जो आपके जीवन में बहुत जरूरी है, और आपको बता दें कि ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का विषय है कि क्या आपका वीर्य संतान पैदा करने की क्षमता रखता है। इसके लिए आज हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिसकी जाँच आप घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में एक ऐसा तरीका बताया गया है जिसको अपना कर आप जान सकते हैं कि आपके वीर्य में संतान पैदा करने की शक्ति है या नहीं। इस टेस्ट को आप अपने घर में ही कर सकते हैं, और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, जो आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये टेस्ट कहीं और करवाते हैं तो कम से कम आपको इस टेस्ट के लिए 1000 से 5000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, और कुछ लोगों को ये टेस्ट करने में झिझक रहती है और ये नए टेस्ट नहीं करा पाते हैं, और इसके चलते कई दंपति को संतान का सुख नहीं मिल पाता। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक छोटा सा बर्तन लेना है और उसमें ऊपर तक गुनगुना पानी भर देना है। फिर आपको उस बर्तन में अपना वीर्य डालना है। कुछ देर तक आपको इंतजार करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका वीर्य 3 तरह की पोजीशन में होगा। अगर आपका वीर्य पानी में पूरी तरह से डूब गया है, या तो आपका वीर्य बीच पानी में तैरता दिखेगा, या फिर आपका वीर्य पानी में ऊपर ही ऊपर तैरेगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका वीर्य पानी में पूरी तरह से डूब गया, तो आप समझिए कि आप में बच्चा पैदा करने की क्षमता है, यानी आप में कोई कमी नहीं है। अगर आप दूसरे स्टेज पर हैं, यानी वीर्य बीच पानी में तैरता दिखे, तो आप में कुछ कमी है, आपको जल्द ही इलाज करवाने की जरूरत है। और अगर आपका वीर्य पानी के ऊपर ऊपर ही तैरता दिखे, तो समझिए आप में बच्चा पैदा करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, जो बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए आपको एक मिनट भी नहीं गंवाना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यूरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest updates.